अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज मैं आप फिर से आपके लिए सिंगल कलर के डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और बनाने में बहुत ही आसान है। इसे आप बच्चों के, लेडीज़ के और जेंट्स के ऑल प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। सभी प्रोजेक्ट पे डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगेगी। ये थोड़ा सा हार्ड बनती है। नॉर्मली आप जितने फंदे अपने प्रोजेक्ट के लिए डालते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा फंदे डालिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ये हार्ड बनता है, ज़्यादा स्ट्रेचेबल ये डिज़ाइन नहीं है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से इसमें फंदे डालिएगा अपने प्रोजेक्ट में, ये डिज़ाइन की राइट साइड और ये डिज़ाइन की रॉन्ग साइड। तो चलिए शुरू करते हैं इसके वीडियो और देखते हैं डिज़ाइन को हम किस तरीके से बुनेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, मैंने फंदे डाले हैं। फंदे यहाँ पर आपको इवन नंबर पे डालने हैं और ये सिर्फ दो सिलाई की डिज़ाइन है। दो फंदों की डिज़ाइन, दो सिलाई की डिज़ाइन, बस यही आपको दो सिलाई दो फंदे बार बार रिपीट करने हैं। डिज़ाइन की फर्स्ट रो हमारी राइट साइड, डिज़ाइन हमारी सीधी तरफ से स्टार्ट होती है। तो पहली सिलाई राइट साइड सीधे तरफ से पहला फंदा उतार लेंगे, आप चाहे तो बुनकर ले सकते हैं ऐसे। उसके बाद देखिए दो फंदे छोड़ के ये गैप में, किसी फंदे में नहीं डालने हैं आपको, पहले बॉर्डर बनानी है और बॉर्डर के ऊपर ये डिज़ाइन रिपीट करनी है। ठीक है, नीचे कोई भी बॉर्डर डिज़ाइन आप बना लीजिएगा। दो फंदे छोड़ा, गैप में सला इस तरीके से डाला और ऊन को इस तरीके से थोड़ा सा लंबा करके ऐसे निकालेंगे। ठीक है, और आगे देखिए ऊन अपनी तरफ करेंगे इस तरीके से, और ये जो दो फंदे हैं इन दो फंदे का एक फंदा बुनेंगे बैक साइड की तरफ से ऐसे, जाली डालते हुए ये दो का एक फंदा करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये लूप निकाले, ठीक है, एक फंदा इंक्रीज हुआ है। तो आगे ये दो फंदे का एक फंदा बुनेंगे ऐसे करके बैक साइड की तरफ से। ये देखिए दो फंदे लिया ऐसे और बैक साइड से डालकर दो का एक कर देंगे ऐसे। ओके, ऐसे अब इसको निकाल देंगे। तो ये जो दो फंदे हैं बार बार यही रिपीट करते हुए जाएंगे ऐसे, गैप में डालेंगे किसी फंदे में नहीं। एक लूप निकाला, ऊन आगे किया, पीछे से जाली डालते हुए इन दो फंदे का एक फंदा ऐसे, ये दो फंदे दो का एक करेंगे पीछे की तरफ से। तो यही बार बार रिपीट करेंगे पहली सिलाई में। तो फर्स्ट रो हमारी ऐसे ही बनती जाएगी, और सेकंड रो कैसे बनानी है रॉन्ग साइड से बताती हूँ। ये देखिए ऐसे करते हुए कंप्लीट कर लेनी है, और लास्ट में ये दो का एक कर देंगे एक्सटिस सीधा बुन देंगे। तो फर्स्ट रो हमारी ऐसे बनेगी। अब आ जाइए सेकेंड रो रॉन्ग साइड उल्टे तरफ से दूसरी सिलाई। पहला फंदा एक्सटिस आप चाहे इसे उतार सकते हैं, चाहे बुन कर ले सकते हैं। ऊन पीछे, ये देखिए दो फंदे, सॉरी एक दो तीन फंदा सीधा बुनेंगे ऐसे, ऊन आगे करेंगे, जो ये एक्स्ट्रा लूप हमने निकाला है ऐसे दिखेगी ये धागा, इसको ऐसे उतार लेना है ऊन अपनी तरफ करके। ठीक है, फिर ऊन पीछे, अब यहाँ से तीन फंदे सीधे ऊन आगे, जो एक्स्ट्रा लूप है ये आपको दिखेगी, इसको उतार लेना है बिना बुने। तो बस यही सेकेंड रो में रिपीट करनी है, यही दो सिलाई आपको आगे आगे दोहराते हुए जाने हैं। जो भी प्रोजेक्ट आप बना रही है इस डिज़ाइन से, बस यही दो सिलाई आपको रिपीट करनी है, और लास्ट वाला फंदा उल्टा। देखिए फिर से मैं एक सिलाई बनाकर आपको दिखाती हूँ, ताकि आपको भी पैटर्न को रिपीट करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे फिर से फर्स्ट रो, अब ऐसे दिखेगी आपको ये लूप। तो ये एक और ये दो, ऐसे गैप में सिलाई डालकर एक्स्ट्रा लूप निकालेंगे, ऊन आगे, दो फंदे का एक करेंगे पीछे से। अब ये दो फंदे आपको एक साथ ऐसे लेकर, क्योंकि यहाँ पर हमने फंदे बढ़ाए, अब दो का एक करके फंदे घटाएंगे ऐसे। देखिए दो छोड़ा, गैप में डाला, इसे निकाला, ऊन आगे पीछे से ऐसे, देखिए किया, अब ये दो का एक किया। देखिए तो ऐसे ही आपको रिपीट करने हैं, इसमें कोई जगह चेंज नहीं करना है, फंदों को कुछ नहीं करना है। जैसे फर्स्ट रो और सेकंड रो बताई है मैंने आपको, उसी तरीके से आपको ये पैटर्न को रिपीट करते हुए जानी है। लास्ट वाला फंदा सीधा, देखिए ऐसे बनेगी। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड रो उल्टे तरफ से।
देखिए पहला फंदा उतारा, तीन फंदा सीधा ऊन आगे। ये लूप आपको दिख रही है, इससे उतार लेनी है बिना बुने, इसको बनाना नहीं है। ऊन पीछे, तीन फंदा सीधा, ऊन अपनी तरफ, इससे उतारेंगे बिना बुने। ऊन पीछे, तीन फंदे सीधे, ऊन आगे, इससे उतारेंगे और लास्ट वाला फंदा उल्टा। तो देखिए ये हमारी सेकेंड रो फिर से कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको चार सिलाई बनाई है, बस ये दो सिलाई की डिज़ाइन है और चार सिलाई बनाकर मैंने आपको दिखाई है। तो ऐसे लुक इसकी आएगी। तो जब आप इन दो सिलाई को बार बार रिपीट करेंगे, आपकी जो पैटर्न है कुछ इस तरीके से बनकर आ जाएगी। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और बनाने में भी बहुत आसान है, आपने देख ही लिया है। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पर डालें, बहुत ही सुंदर लगेगी। बस फंदे थोड़ा ज़्यादा डालिएगा ताकि ये हार्ट ना बने, प्रोजेक्ट आपका परफेक्ट बन जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको डिज़ाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको डिज़ाइन ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इस वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके रख दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।